देखो किरचॉफ का नियम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी 5वें चैप्टर में और 6ठे चैप्टर में बहुत काम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 13, 15 और 16 में किरचॉफ का पहला नियम पूछा था। किरचॉफ के कितने नियम है? दो नियम है। पहले तो किरचॉफ का नियम है क्या? किरचॉफ के नियम को कोई डिफाइन करना पूछे, कैसे बताओगे कि किरचॉफ का नियम क्या बताता है हमें? क्या बताता है किरचॉफ का नियम हमें? किरचॉफ का नियम बताता है, किरचॉफ के नियम का मतलब है कि इससे क्या पता चलता है, धारा का मान ज्ञात करना। किसी भी शाखा से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अगर शाखा से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना हो तो वो यूज करते हैं। अब देखो पहला नियम क्या है, किरचॉफ के पहले नियम को धारा का नियम भी कहते हैं और इसको आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कैसे होता है ये नियम, पता है क्या बताता है? ये नियम कहता है कोई भी संधि, अब संधि मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं, कोई भी संधि है या नोड है, ये वाली संधि है कोई मान लीजिए, संधि कह दो या नोड कह दो, कोई भी संधि है या नोड है उसके संधि या नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। जैसे मान लो यहां पर धाराएं मिल रही हैं, ऐसे दो धाराएं आ रही हैं I1 I2 और यहां से तीन धाराएं बाहर जा रही है I3 I4 I5, तो बात बड़ी सी की है, संधि की और जो धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं संधि से बाहर जाएंगी, क्योंकि संधि पर खुद का तो कोई कारखाना लगे नहीं है जो धारा को पैदा कर दे। धारा ना पैदा हो रही है ना कहीं से नष्ट हो रही है, इसका मतलब इधर से जितनी धारा आ रही है पीछे से आने वाली धारा I1 प्लस I2 वो बराबर होगी जाने वाली धारा होगी I3 प्लस I4 प्लस I5। बहुत ही आसान है, जितनी धाराएं संधि पर आएंगी, संधि की ओर आएंगी, उतनी धाराएं संधि से दूर जाएंगी, मतलब संधि से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। और बीजगणितीय योग जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कह दूं कि आने वाली धाराओं को मैं पॉजिटिव लूंगा हमेशा ही और जाने वाली धाराओं को मैं नेगेटिव लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सबका जो ये आंसर है वो जीरो आ जाएगा, दिख भी जाएगा इधर ले तीनों को, जब I3 I4 और I5 तीनों को इधर लेके आओगे माइनस के हो जाएंगे, कुल क्या हो जाएगी, धारा जीरो। वही चीज है, संधि से गुजरने वाली कुल धाराओं का जोड़ जीरो होता है। बहुत ही आसान है और इससे रिलेटेड देखो बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर ऐसा है I1 I2 में लिख सकता हूँ समीशन I I I बराबर 0, लिख सकता हूँ समीशन का मतलब 1 को रोको I1 2 को रोको प्लस I2। ध्यान रखो संधि की और आने वाली धाराएं धनात्मक ली जाती है, संधि से दूर जाने वाली धाराएं हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये आपके पास समीशन आई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल हो गया। और इसको आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आवेश रुक नहीं रहा, देखो जितना धारा क्या है आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर समान है, जितना आवेश आ रहा था उतना ही आगे चला गया, कि भाई दो रस्तों से आ रहा था आवेश, पानी दो रस्तों से आ रहा था, वो पानी आगे तीन रस्तों में बढ़ गया, दिक्कत क्या है, जितना आ रहा था उतना ही आगे जाएगा, वहां पे कुछ रुकता नहीं है आवेश, इसलिए इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब देखिए 2015 के अंदर जो आपका बोर्ड है उसमें क्वेश्चन आया था, 2015 के अंदर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कहते हैं आई का मान ज्ञात करो, आई का मान ज्ञात करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसमें हमें क्या दे रखा है, तीन धाराएं दे रखा है 5 एम्पियर 2 एम्पियर, देखो 2 एम्पियर अंदर आ रही है, 5 एम्पियर भी अंदर आ रही है, 4 एम्पियर इससे बाहर निकल रही है और इधर जो धारा जा रही है वो I एम्पियर धारा जा रही है, I एम्पियर, और उसने पूछा आई का मान ज्ञात करो। तो देखो कितना सिंपल है कि इसका आंसर आपने निकाल ही दिया, क्या है, धाराएं जो आ रही हैं कौन कौन सी धाराएं संधि पर मिल रही हैं, दो मिल रही हैं, मिलने वाली धाराएं 5 और 2 में जोड़ दिया, दूर जाने वाली धाराएं 4 और I है उनको जोड़ दिया, तो क्या आ गया 5 और 4 5 और 2 7 4 प्लस I, I का मान कितना आ गया 7 माइनस 4 यानी कि 3 एम्पियर। कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था। और ये क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है जो बहुत ही सिंपल नियम होता है। लिखो देखो किरचॉफ का जो पहला नियम हमने पढ़ा है उसके अंदर आपको पता है ये वाला न्यूमेरिकल जो है अपने को सॉल्व करना है, इसके अंदर क्या है, दो धाराएं अंदर जा रही है, ये 2 एम्पियर बाहर आ रही है ए पॉइंट से, यहां से I एम्पियर जाती है और बी पॉइंट पे एक और संधि आ गई,
और इस संधि से ये दो लड़ाई बाहर जा रही है और एक लड़ाई नीचे आ रही है। ये जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है, जो कि किरचॉफ के कौन से नियम से है, किरचॉफ के पहले नियम के ऊपर आधारित है। तो बात सीधी सी यही है कि संधि की और आने वाली धाराओं को बराबर कर दो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के। तो संधि की और कौन कौन सी धाराएं आनी है, दो चार दोनों ही आनी है बस, और बाहर जानी है आई और दो। तो उत्तर क्या आ गया, दो से तो कट गया, कितना आ गया चार एम्पियर इसका उत्तर आ गया। अब ये चार एम्पियर यहां पहुंच गई, इसका मतलब इसके अंदर कितनी लड़ाई जा रही है। संधि बी के ऊपर बात करूंगा कि संधि बी के ऊपर कौन कौन सी लड़ाई जा रही है। तो सीधी सी बात है, संधि बी पे चार एम्पियर बाहर जा रही है, तो चार अंदर आ रही है आई और एक आ रही है अंदर आई वन, बाहर जा रही है चार प्लस दो। क्लियर है, आई का मान चार है, चार से चार कैंसिल हो गया, आई वन कितना गया दो एम्पियर। ये अपने पास क्या था, कल वाला जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से करना था। आज हम अभी क्या पढ़ेंगे, अब अपने पढ़ने वाले हैं, ये कंप्लीट हो गया ठीक है, ये कर दिया होगा आपने। अब अपने क्या करते हैं, इसका दूसरा जो नियम है वो पढ़ते हैं। तो लिखते हैं नंबर दो, लिखो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता या विभवांतर का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता या विभवांतर का नियम। बहुत आसान है, पहले नियम में हमने स्टडी किया था कि संधि के ऊपर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणित के योग जीरो होता है, यही किया था। और दूसरे नियम में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी बंद लूप में चलने पर विभवांतरों का कुल योग जीरो होता है। उधर धाराओं का कुल योग जीरो था, इधर विभवांतरों का कुल योग जीरो हो जाएगा। काम बहुत सिंपल हो गया, विभवांतर का जोड़ जीरो कर देता है कुल विभवांतर का। जैसे अब विभवांतर का कुल योग जीरो तो करना है, लेकिन विभवांतर जीरो तो करना है, लेकिन विभवांतर को मापेंगे कैसे, विभवांतर की बात कैसे करेंगे, वो भी तो देखना पड़ेगा। पहले बात ध्यान रखना, मान लीजिए मैंने एक परिपथ बना दिया है, ठीक है ओके, ज्यादा मैं मुश्किल नहीं लूंगा सवाल, सिंपल सा ले लिया, एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ जाएगा। तीन प्रतिरोध तक या श्रेणीकरण में एक बैटरी लगी है, इस बैटरी का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध वो कहता कि ऐसे लगा के कि आ रहा है, तो उसको भी मैं श्रेणीकरण में लगा देता। अब इसने कहा कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अगर होता तो श्रेणीक्रम में लगा देते और उसको भी उसी तरीके से यूज करते जैसे बाकी प्रतिरोधों को करते हैं, क्योंकि वो भी प्रतिरोध ही होता है। फिर आते प्लस से धारा चलेगी, माइनस की ओर जाएगी और आई धारा प्लस में निकल के माइनस में एंटर करेगी। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, मुझे विभवांतरों का जोड़ जीरो करना है। इसका मतलब मैं चलाऊंगा लूप, नाम दे दो पहले तो ए बी सी डी ए। लूप चलाना आपकी मर्जी है, लूप को धारा की दिशा में चलाइए या लूप को धारा की विपरीत दिशा में चलाइए, आपकी मर्जी है। हम क्या करेंगे, यहां लूप को चलाएंगे धारा की दिशा में, ए से शुरू करेंगे ए पे खत्म करेंगे। और लूप चलाते टाइम मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जब लूप चलाओगे तो ए बी सी डी ए पे आके बंद करोगे, लास्ट और पहला शब्द एक ही होना चाहिए, है ना, ए से शुरू किया ए पे खत्म किया, कल भी बताया था। अब देखिए, अब एक बात ध्यान रखना, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलोगे, अब ए से मैं बी जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा तो बैटरी के माइनस में घुसूंगा और प्लस से बाहर आऊंगा ना, तो बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलोगे वो निशान लेना है प्लस, समझ गए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा हूं, तो विभव में वृद्धि हो रही है, माइनस से प्लस जा रहा हूं तो निम्न से उच्च जा रहा हूं ना, तो विभव में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस की लगा दिया।
अब बात करते हैं प्रतिरोध के केस में क्या करूं। अब एक बात बताओ, प्रतिरोध के अंदर, अब प्रतिरोध के दोनों सिरे हो गए, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होता है? आई आर, क्या होता है? आई आर। तो आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, यही होगा। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बी बराबर आई आर, पता है ना? तो बी बराबर आई आर वन, बी टू बराबर आई आर टू होगा। तो इसके सिरों पर विभवांतर होगा आई आर वन, और किरचॉफ के नियम में जोड़ किनका लेना है? विभवांतरों का ही जोड़ देना है, समझ गए ना? और किसी का नहीं। तो इसका मतलब यहां आएगा तो आई आर, इतना तो क्लियर हो गया, आएगा ना? कि जब ए से बी जा रहा हूं तो इसके तो मैं प्लस से बाहर निकल रहा हूं, प्लस बना दिया, इसके केस में क्या करेंगे? अब खुद देखो, धारा जाती है हमेशा ऊंचाई से निमाण की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। धारा ऐसे जाएगी ना, ऊंचाई से निमाण की ओर, पानी बहता है, धारा जाती है हमेशा, हम धारा इस तरफ जा रही है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। अब ध्यान दो, मैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा हूं, प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं, तो निशान क्या रहेगा? माइनस, समझ गए? बस मेन चीज इतनी ध्यान रखो, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो निशान माइनस का आता है, और अगर धारा की उल्टी दिशा में चलते हैं तो निशान प्लस का आता है, ठीक है? अगर हम बैटरी के प्लस से बाहर निकलते हैं तो निशान प्लस का आता है, बैटरी के माइनस से बाहर निकलते हैं तो निशान माइनस का आता है। ये किरचॉफ का नियम इतना ही है। अब देखो, ए से बी पहुंच गए, अब चलेंगे बी से सी, तो क्या आ जाएगा? धारा की दिशा में जा रहा हूं, माइनस आ जाएगा, ठीक है? और आई में गुणा हो जाएगा आर, आगे आ जाओ। सी से डी फिर धारा की दिशा में आ रहा हूं तो माइनस, और धारा आई है, आई आर थ्री बराबर जीरो। यहां से कुछ भी निकाल लो, आई कॉमन ले लो, माइनस का आई कॉमन बच गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बराबर जीरो। यहां से आ जाएगा आई बराबर ई बटे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। परिणामी प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में तीनों, ठीक है? ये परिणामी विभव है, बी बटे आर वन आई होता है, पता है ना? उस तरीके से इसका फॉर्मूला आ गया। तो किरचॉफ का नियम क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जिससे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। और मान लीजिए उसने एक सर्किट दे दिया, 5 वोल्ट की बैटरी है, अब उसका आंतरिक प्रतिरोध उसने दिया है, कहता कितना है? 1 ओम, कितना है? 1 ओम। ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और ये 2 ओम हो गया। मैं बिल्कुल सिंपल करवा रहा हूं, पहले तो 0 से जिसका आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का दिया है, तो उसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे? आंतरिक प्रतिरोध को यहां से हटा के कहां लगा दूंगा? श्रेणी क्रम में, 1 ओम बराबर आर, कहीं भी लगा दो, इधर चाहे इधर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हर तरफ तो नहीं आएगा। प्लस से धारा चलेगी माइनस की ओर, इतना क्लियर हो गया। अब चलाएंगे लूप, क्या चलाएंगे? लूप चलाएंगे, और लूप चलेगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए बी सी डी ए, लूप ऐसे चलेगा, ठीक है? क्या था धारा आई का मान ज्ञात करो, हो गया। ए से बी जाओ, पहले ए से बी जाओगे तो पहले प्रतिरोध आ रहा है 1 ओम का, और मैं जा रहा हूं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रहा हूं तो प्लस के माइनस, बस इतना ही याद रखो, और क्या? माइनस। प्रतिरोध और धारा का गुणा होता है दोनों का, प्रतिरोध है 1 ओम का, धारा है आई, 1 गुणा आई, समझ आ गया? अब इसके किसमें घुस रहा हूं? माइनस में, लेकिन बाहर किसके निकल रहा हूं? तो उत्तर क्या आ जाएगा? +5। बस यहां धारा का गुणा नहीं करता क्योंकि ये पहले वोल्ट है, यहां तो प्रतिरोध को धारा से गुणा करते हैं, वी बना, वी बनाने के लिए वी बराबर आई आर, इसलिए आई और आर का गुणा करते हैं। आगे आ जाओ, बी तक पहुंच गए, बी से जाओ सी, धारा की दिशा है कि विपरीत हो, और प्लस के माइनस, माइनस का 2 गुणा आई, यहां आ जाओ सी से 4 ओम, माइनस का 4 आई, बी से ए आता हूं तो
माइनस का दो आई दो बराबर जीरो, आई कितने हो गए, माइनस का एक माइनस का दो और एक तीन चार और तीन सात और दो नौ, पांच माइनस नौ आई बराबर जीरो, नौ आई बराबर पांच, आई बराबर पांच बटा नौ एम्पियर, नौ पांच पैंतालीस होता है और नौ पांच कितना ही चलता रहेगा, नौ पांच पैंतालीस पैंतालीस, 0.55 एम्पियर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। किरचॉफ के नियम का ही हमने क्या किया है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लिया। अब देखो किरचॉफ के मेन काम जो है ना वो सारा दूसरे नियम का ही रहता है। पहले नियम का यूज कैसे होता है, अगर मान लो आगे और ब्रांच होती है तो उसमें दूसरे नियम का यूज हो जाता है कि धारा बट जाती है आगे दोनों हिस्सों में, तो उस तरीके का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो ये एक बैटरी लगी है, अब मैं सीधा ही कह देता हूं 10 वोल्ट की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध मैंने लगा ही है इसके साथ 2 ओम, ठीक है, वैसे इतना होता नहीं आंतरिक में, बहुत ही कम होता है, पॉइंटों में होता है, तो हमने चलो मान लिया 2 ओम, कैलकुलेशन आसान रहेगी हमें समझना है, 10 ओम का इधर लगा है, 10 ओम का प्रतिरोध इधर लगा है और 10 ओम का इधर लगा दिया। अब देखो दो प्रतिरोध यहां लगे हैं 10 10 ओम, नियम के अनुसार चलो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फालतू का दिमाग में कटकरे मारनी और अपने ओर से कोई चेंज करने से, जो नियम बताया उस नियम के अनुसार चलते जाओ दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें दो रूप बन रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये बन रहे हैं ना, दोनों रूपों में किरचॉफ का नियम लगा देना बस, और इतना ही ध्यान रखना है अगर धारा की दिशा में चले तो प्लस तो माइनस, धारा की विपरीत दिशा में चले तो प्लस, बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलेंगे वो टर्मिनल का साइन आ जाएगा, माइनस से निकलेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस से निकलेंगे तो प्लस, इतना ही आएगा। तो वही काम करेंगे, धारा चल रही है, आई धारा चल रही है, यहां से धारा बाहर निकालती आई वन यहां तक बिंदु सी से, ये ए था ये बी मान लिया सी मान लिया डी मान लिया ई मान लिया एफ मान लिया, यहां से आई वन तो इधर कितनी आएगी आई माइनस आई वन रह गई, ध्यान दे इधर क्या रहेगी, ध्यान से देखना आई माइनस आई वन, ये भी आई माइनस आई वन मुड़ गई यहां से, ये भी आई माइनस आई वन यहां से आई माइनस आई वन में फिर जुड़ गई आई वन, क्या बन गई फिर आई वन। पहले तो ये धारा का नियम लगा दिया, पहला नियम बने, अब बात करते हैं दूसरा नियम, लूप दो है, पहला लूप और दूसरा लूप, ठीक है ना, तो पहला लूप देखते हैं, लूप ए बी सी एफ ए, ठीक है ना, पहले चलो ए से बी पहले बैटरी आ रही है, आ रही है ना, और तो कुछ नहीं आ रहा, बैटरी के मैं किससे बाहर निकल रहा हूं, तो उत्तर क्या आ गया प्लस का 10, आगे से लगा है ये लगा है आर प्रतिरोध कितने ओम का है, और धारा की क्या जा रहा हूं दिशा में जा रहा हूं तो माइनस का 2i, ठीक है, अब मैं बी पे आ गया, बी से सी क्या लगा है माइनस का 10i आ गया, फिर यहां सी से एफ माइनस का 10i, फिर एफ से आई ए माइनस का 10i बराबर 0, 10 30 और 32 हो गया, 10 बराबर 32 आई, यहां आई वन था ही ये आई था, ये देखो आई वन है ये फिर आई है, तो समीकरण बनेगी 12 और 10 22 का तो आई है और 10 का आई वन है बराबर 10, यही है ना, 10 का तो आई वन है और क्या है 2 और इस तरीके से क्या आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, समझ गए, ये पहली समीकरण आ गई पहले रूप से, अब दूसरे रूप से दूसरी समीकरण बन जाएगी, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे उत्तर आ जाएगा, एक्स वाई में दो समीकरण होती है ना हल करना आता है उस तरीके से। अब देखो लूप ऐसे चलेगा एफ सी, वैसे वैसे करते जाओ,
पहले आप इसे सी जाओ, धारा के विपरीत जा रहा हूँ कि धारा की दिशा में जा रहा हूँ? एफ से सी जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, विपरीत जा रहा हूँ धारा के, धारा के नीचे आ रही है, मैं उस पर जा रहा हूँ आ रहा जवाब में, तो इसका मतलब क्या आएगा? प्लस का 10I1, ठीक है। अब सी से जाओ डी, अब धारा की दिशा है, तो माइनस का 10I-I1, फिर धारा की दिशा में होगा, माइनस का 10I-I1 बराबर 0, ये 20 हो गया, 10 का I1 हो गया, माइनस का 20I हो गया, प्लस का फिर 20I1 हो गया, ठीक है ना। तो 30 हो गया I1 और बराबर हो गया 20I। अब मुझे क्या याद करना है? I याद करना है, I1 भी पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है, दोनों याद करने हैं I1। तो यहां से आंसर आ गया, किसी एक का मान निकालो तो दूसरी पे रख दो, किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख दो। यहां से देखो 0 से 0 गया, यहां से निकाल लो आई का मान, 3/2I1 आ गया, और 3/2I1 आई को याद रखो, 2 in 1, 2 को 1 में रखने पर 2 को 1 में रख दिया, 22 × 3/2I1 आई को, प्लस का 10I1 बराबर 10 हो गया, 2 × 11 = 33, I1 प्लस 10I1 बराबर 10, 43I1 बराबर 10, I1 बराबर 10/43 है, ठीक है। पर I1 को रख दो यहां, है ना, I1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण हल करने जो आपको आती है, मेन काम जो है वो आपने कर लिया, I हो जाएगा 3/2 × 10/43 एम्पीयर, 5 रहेगा 15, I बराबर 15/43 एम्पीयर, ये आपके पास क्या आ गई? कुल धारा I आ गई और धारा I1 आ गई।